क्यों छिन सकती है युजवेंद्र चहल की टोपी? आखिर युजवेंद्र चहल को किससे महसूस हो रहा है खतरा? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। आईपीएल सीजन 15 में इस वक्त चारों तरफ रेस ही जारी है। टीम्स के बीच प्लेऑफ में पहुंचने की रेस, बल्लेबाजों के बीच रन की रेस, गेंदबाजों में विकेट्स की रेस, पर्पल कैप की रेस, ऑरेंज कैप की रेस, स्ट्राइक रेट की रेस, चौकों और छक्कों की रेस। लेकिन इसी बीच इस रेस में युजवेंद्र चहल को खतरा महसूस होने लगा है। आखिर ये खतरा युजवेंद्र चहल को क्यों और किससे महसूस होने लगा है, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं और आपको बताते हैं। युजवेंद्र चहल की पर्पल कैप पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने वाले युजवेंद्र चहल 13 मैचेस में 24 विकेट्स के साथ टॉप पर बने हुए हैं। तो वहीं दूसरे स्थान पर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के वानिंदु हसरंगा और तीसरे स्थान पर है पंजाब किंग्स के कगिसो रबाड़ा। अब आज दिल्ली और पंजाब के बीच मुकाबला खेला जाना है और इस मुकाबले में कगिसो रबाड़ा के पास यूजी चहल से पर्पल कैप हथियाने का मौका है। रबाड़ा यूजी से सिर्फ 3 विकेट्स की दूरी पर है। अगर आज के मैच में कगिसो रबाड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर देते हैं तो यूजी चहल से ये कैप छिन भी सकती है। अगर बात की जाए आईपीएल के इस सीजन की, तो इस सीजन में यूजी चहल ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए 13 मैचेस में 7.76 की इकोनॉमी से 24 विकेट झटके हैं। अब खतरा ये है कि युजवेंद्र चहल की ये टोपी कहीं उतर न जाए। अब ये रेस ज्यादा इंटरेस्टिंग तब भी हो जाएगी जब पर्पल कैप की रेस में आगे चल रहे गेंदबाजों की टीमें भी ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलें या प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करें। फिलहाल पर्पल कैप की रेस में आगे चल रहे गेंदबाजों की टीम्स की अगर बात करें तो यूजी चहल की टीम राजस्थान रॉयल्स का भी अभी प्लेऑफ में पहुंचने का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। ना ही हसरंगा की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का और ना ही कगिसो रबाड़ा की टीम पंजाब किंग्स का प्लेऑफ में पहुंचने का टिकट कंफर्म हुआ है। अगर इन गेंदबाजों को सीजन का लीडिंग विकेट टेकर रहना है और पर्पल कैप पर कब्जा करना है तो इनकी टीम्स का भी लास्ट तक खेलना जरूरी है, वरना ये नहीं कहा जा सकता कि टूर्नामेंट खत्म होते होते पर्पल कैप किसके सिर पर होगी। आपको क्या लगता है, क्या युजवेंद्र चहल पर्पल कैप पर अपना कब्जा अंत तक बरकरार रख पाएंगे या फिर आईपीएल सीजन 15 खत्म होते होते ये किसी और के सिर पर सजेगी? आप अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।